हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन स्टाइल में पोहा। तो उसके लिए हमें जो सब मटेरियल चाहिए वो आपके सामने है। दो मीडियम कटे हुए प्याज, एक आलू, एक टमाटो, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और मूंगफली एक कटोरी और थोड़ी सी राई। तो चलिए सबसे पहले हम तीन कटोरी पोहा को छलनी में वॉश करके रख लेते हैं। ये चार लोगों के लिए है। उसके बाद कढ़ाई को आप मीडियम आँच पर रखें और उसमें एक कड़छी ऑयल डाल दें। ऑयल गर्म होने पर सबसे पहले हम जो मूंगफली है उसको फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को अच्छी तरह ब्राउन करना है। अगर आप पंजाबी स्टाइल में पोहा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप मटर और गाजर वगैरह डाल सकते हैं, बट वो टेस्ट अलग हो जाएगा। चलिए मूंगफली फ्राई हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में ऐसे लग रहा है एक हाथ से मैं बना रही हूँ। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब इसमें आप कड़ी पत्ता और राई डाल दें। उसके बाद कटा हुआ सामान डाल दें। अब इसमें आप मसाले, थोड़ी सी हल्दी, एक चौथाई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक स्वादानुसार डालें। भूनने पर अब आप इसमें थोड़ा सा एक कड़छी पानी डाल दें और इसको ढककर 5 मिनट तक पकने दें। चलिए देख लेते हैं, आलू पक चुका है। अब इसमें आप भुनी हुई मूंगफली डाल दें। अच्छी तरह मिला लें। अब आप इसमें पोहा मिला दें। गैस को सिम कर दें और अच्छी तरह इसको मिक्स करें। मैं इसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें एक पाउच मैगी मसाला डालती हूँ, वो ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें डालना है या नहीं। बिना मैगी मसाले के भी अच्छा लगता है इसका टेस्ट। अब आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको 2 मिनट के लिए ढक कर रख दें। पोहा सर्व करने के लिए तैयार है। इसको आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं और दही के साथ भी खा सकते हैं, दोनों तरह से अच्छा लगता है टेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।